पंजाब में अपने चुनावी अभियान को तेज करते हुए कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादों की छड़ी लगा दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चुनावी घोषणाओं का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ऐसी योजना लॉन्च करेगी जिसके जरिए हर घर को नौकरी दी जाए, पंजाब के किसानों के कर्ज माफी की योजना बनाई जाएगी। अहम ऐलान यह भी है कि जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर मुहैया कराया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी भी अहम घोषणा की गई है कि पंजाब में न सिर्फ 12वीं तक बल्कि PhD तक की पढ़ाई मुफ्त हो जाएगी। घोषणा पत्र में सस्ती बिजली, पानी, छात्रवृत्ति से जुड़े भी कई ऐलान किए गए हैं। साथ ही पंजाब को 4 हफ्ते में नशा मुक्त करने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। वहीं घोषणा पत्र जारी करते हुए मनमोहन सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाब को अमरिंदर सिंह जैसे कुशल नेतृत्व की जरूरत है ताकि प्रदेश ने 10 सालों में जो नुकसान उठाया है उसकी भरपाई की जा सके। तो भारी भरकम वादों के साथ कांग्रेस ने लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि जनता इन वादों से कितनी संतुष्ट होती है और कांग्रेस का कितना साथ देती है। देखते रहिए DB Live।